हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बस मैं फ्रेश होके आ गई हूँ। अभी काफ़ी लेट हो गया है ब्लॉग, मैंने अभी स्टार्ट किया। सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, कपड़े वगैरह पड़े हैं उसे फोल्ड करने हैं। जीत भी अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, खाना नहीं खाया उन्होंने। एक ही पूरी, कल जो छोले बनाया था उसमें एक, उसके साथ में एक ही पूरी खा के गए। उनका खाने पीने का ठिकाना है कुछ नहीं है अभी, बस वो डिनर जो रात में थोड़ा सा वो करते हैं, वरना कुछ नहीं। मेरा भी ऐसा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। मैं ऐसे पपीता जो है वो काट के लाई हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत पपीता खा लूँगी। एंड बस यही है, कुछ अच्छा सा डिनर में देख के बनाऊंगी, ताकि भाई भी कल से आया है तो वो भी, मतलब जीत भी अच्छे से खाएंगे, वो भी खाएगा। एंड संग्राम माया को भी देखती हूँ, बुलाती हूँ, अगर वो आएंगे तो फिर थोड़ा टाइम स्पेंड अच्छे से हो जाएगा। ऐसे ही मन अच्छा नहीं लगता है ना, तो सब लोग, मतलब कुछ साथ में फ्रेंड्स वगैरह होता है ना, तो थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही नहा रही थी, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे ही हम बहुत सारे लोग ना बहुत कुछ ऐसे ही बिना कुछ जाने जज कर लेते हैं। अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ हो, किसी और की लाइफ हो, कोई और ब्लॉगर भी हो या कोई भी आपके फ्रेंड हो, कुछ भी हो, आप उनसे 10-15 मिनट के लिए मिलते हो या हमारी लाइफ आप 10-15 मिनट के लिए देखते हो। पूरे 24 घंटे में क्या होता है क्या नहीं आपको नहीं पता, या हम लोग वही आपको दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए थोड़े से टाइम के लिए देख के। आई नो सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते, सब कुछ आता है, इसीलिए हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स कभी भी इतना शेयर नहीं करते हैं, मोस्टली शेयर नहीं करते हैं। एंड जब भी शेयर करते हैं, जब वो तब शेयर करते हैं जब वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, हाँ थोड़ा रिलैक्स माइंड हो, तब शेयर करते हैं कि हाँ ये हुआ था, अब सब ठीक है। एंड हम नहीं चाहते कि, जैसे मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अकेले की लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। जब भी हमारा मन कहीं उदास होता है या कुछ हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो मूवी कुछ लगा लेते हैं या ऐसे ही कुछ ब्लॉगिंग चैनल वगैरह ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। यूट्यूब वैसे एंटरटेनमेंट ही हम लोग देखते हैं ना, तो अगर हम भी उसमें अपना प्रॉब्लम शेयर करें, कोई अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आया होगा, बट यहाँ पे वो आके उल्टा उदास होकर जाए, हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं हमेशा कि आपके, जब भी आप लोग हमारा ब्लॉग देखो, आपके फेस पे एक स्माइल आए, तो हमें वो अच्छा लगता है। बट हाँ, इस बात का बहुत लोग जजमेंट भी कर लेते कि हाँ इनका तो सब कुछ ये है, सब कुछ अच्छा है, अभी ट्रिप पे आए हैं, बट अभी देखो फिर से बोल रहे हैं प्रॉब्लम। तो ट्रिप की बात अलग है, मैंने पहले भी बताया, शायद उन्होंने वो ब्लॉग नहीं देखा होगा या नहीं, कि ये सब हमारा हमेशा पहले से ही प्लानिंग था। अचानक से हमें नहीं पता था कि ये सब सिचुएशन आ जाएगा, सब कुछ हमारा बुकिंग था। वैसे भी हम लोग नहीं जाते तो भी हमारा पैसा खर्च होने वाला था, जाते तो भी हमारा पैसा खर्च, तो बेटर है कि जाके थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लिया, अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। अब जैसे जैसे जो जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे हमेशा बुरा टाइम नहीं रहता या हमेशा अच्छा टाइम भी नहीं रहता, तो एक ना एक दिन ठीक ही हो जाना है सब कुछ। तो बस यही है। एंड खाली खाली YouTube हमारी वर्चुअल फैमिली है एक, तो हम आपके नाम से आपको जानते हैं, बट आपको कभी हमने देखा नहीं। आप हमें डेली देखते हो, जब भी हम लोग बाहर किसी से मिलते हैं, किसी सब्सक्राइबर से ना, वो मोस्टली बोलते हैं कि हमें तो लग ही नहीं रहा है कि आप कोई अलग हो हमसे, आप हमारी फैमिली की तरह लग रहे हो, बट हम आपसे पहली बार मिल रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि आप कैसे क्या हो। बट वो तो छोड़ो जजमेंट, कोई हमारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं कि आप सबको जानते हुए भी वो आपको ऐसे कुछ कुछ बातें बोल देते हैं, आपको हर्ट हो जाता है, वो हो जाता है, तो वैसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। किसी को भी आपको नहीं पता, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए, बिना जाने कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। कोई कोई मुझे बोलता है, जैसे कोई कभी कोई भी हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, जैसे से बोला कि यूट्यूब से तुम्हारा घर चलता है, नो डाउट मैं यूट्यूब से इनकम करती हूँ, और क्यों ना करूँ, अगर मैं दिन भर मेहनत करती हूँ मैं उससे अर्न करती हूँ, और यूट्यूब मेरे अकेले का तो है नहीं, सबका है। आप भी कर लो, आपको कौन मना कर रहा है, आप भी ब्लॉग बना लो, या आपका जो भी है आप वो कर लो, आपको अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो आप भी यूट्यूब से अर्न कर सकते हो, इसमें कोई गलत तो है नहीं। एंड हाँ, बट ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि हमारा घर जो है वो यूट्यूब से चलता है। 3 साल से यूट्यूब से मैं पेमेंट मेरी आती है, उससे पहले भी, शादी को हमारे 10 साल हो गए हैं, 10-11 साल से, मतलब 10-11 साल होने में 10.5 साल हो गए हैं। एंड उससे पहले जो, मतलब 2012 को मेरी जस्ट पढ़ाई खत्म हुई, मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मैंने
हमेशा इनकम किया है, चाहे वो मैं इन्फोसिस में हूँ, चाहे वो यहाँ पे ADCB में हूँ, चाहे यूट्यूब से हूँ। बस बीच में 2 साल मेरा ब्रेक रहा है, जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड हनी बनी को 1 साल होने तक मैंने कुछ भी इनकम नहीं किया है। बट टचवुड, भगवान ऊपर वाले की कृपा से, जीत का इतना सपोर्ट रहता है, उनकी इतनी अर्निंग होती है कि हमारा घर उसी उनके उससे चलता है। मैंने आज तक मेरे कोई भी सैलरी को कभी टच नहीं किया है, टचवुड। ये बात ऑब्वियसली ये हमारा एक्स्ट्रा सेविंग है, ये मैं बोलूँगी हमारा एक्स्ट्रा सेविंग है, एंड हमेशा सेविंग आपका फ्यूचर में काम भी आता है एंड डेफिनेटली काम भी आएगा आगे जाके। मैंने कभी भी अपने इनकम को टच नहीं किया। पहली बार हाँ, जब मैंने इन्फोसिस से मुझे जो फर्स्ट सैलरी मिलते तब मैंने अपने घर वालों के लिए, अपने सबके लिए मैंने कुछ गिफ्ट लिया था। यहाँ पे भी जब पहली सैलरी आई थी तब मैंने गिफ्ट लिया था। जब यूट्यूब की पहली सैलरी आई थी तो मैंने माता रानी की चुन्नी चढ़ाई थी एंड बस अभी मैंने जो अपनी गाड़ी का डाउन पेमेंट जो है वो मैंने यूट्यूब के इनकम से दिया है। बाकी मैंने कभी कुछ भी ऊपर वाले की वो नौबत ही नहीं आई कि हम लोग, हाँ उसके बारे में हम लोग सोचते नहीं कि हाँ, क्योंकि यूट्यूब आज है कल नहीं है, पता नहीं, ऐप ही है, हो सकता है आप लोग आज पसंद कर रहे हो कल को नहीं पसंद करोगे, या कल को यूट्यूब नहीं होगा, तो ये हमारा एक कोई परमानेंट इनकम नहीं है। हाँ, तो ये एज ए एक्स्ट्रा सेविंग हमारा रहता है। बट हाँ, ये भी लोग बोल जज करते हैं कि आप इतना वो पैसे खर्च करो, किसी को हेल्प कर दोगे तो उससे, किसी गरीब की हेल्प कर दोगे तो देख सी, बहुत लोग होते हैं वो दिखाते। हम लोग कभी भी किसी को फाइनेंशियली हेल्प करते ना, कभी भी शो नहीं करते कि हमने इसको इतना पैसा दिया। हाँ, कभी किसी को कुछ खाना दिया या कुछ कपड़े दिए, कुछ गिफ्ट्स दिए, वो अलग बात है। सी, मैं जैसे कि मैंने बताया, यूट्यूब का अर्निंग या मैंने कभी भी टच नहीं किया। बट जो मैं प्रमोशंस करती हूँ ना, थोड़े बहुत मैं प्रमोशन करती हूँ, मैं ज़्यादा प्रमोशन नहीं करती हूँ, महीने में दो तीन चार प्रमोशंस मैं करती हूँ, उससे टचवुड ऊपर वाले की कृपा से मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा था, मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है, तो मतलब ठीक ठाक वो मुझे पेमेंट भी देते हैं। तो वो सारा मैं अपने इंडिया अकाउंट में ही मेरा आता है। मैं यहाँ पे दुबई में, दुबई अकाउंट में मेरा कुछ भी प्रमोशन का पैसा जो है वो नहीं आता है, सब कुछ इंडिया अकाउंट में जाता है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, जो भी मैं मेरा मंथली इनकम प्रमोशन से जो भी होता है उसका 10% या 5% मेरे पास होता है, बाकी सब हम लोग, हाँ इसकी ज़रूरत पड़ी वो इंडिया अकाउंट से ही देते हैं, उसको ज़रूरत पड़ी तो इंडिया अकाउंट से देते हैं। ये बात हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, हाँ कभी दिखाते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं। बहुत लोग हैं हाँ दिखाता है यूट्यूब के, उससे हमने ऐसे किया वैसे किया, ठीक है किया, जिसका जो मर्जी वो दिखाए, जिसका जो मर्जी वो नहीं दिखाए। हमें पसंद नहीं कि हाँ हम लोग किसी को पैसे दे रहे हैं कि उसको दिखाए कि चलो मैं हम उसको इतना पैसे दे रहे हैं। हाँ, कुछ गिफ्ट दिया, कुछ किसी ओकेजन पे, किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी, वो अलग बात है। बट हाँ, आप किसी की ज़रूरत के टाइम पे उसको हेल्प कर रहे हो, उसको भी दिखा के हेल्प करना, वो हमें अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, दिखाओ तो प्रॉब्लम, दिखाओ नहीं तो भी प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए ओवरऑल थिंकिंग से ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ, जज नहीं करना चाहिए। आपको नहीं पता कि हाँ 24/7 उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप बस 10-15 मिनट का देखते हो एंड बस यही है लाइफ है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अप्स एंड डाउन से आते हैं जाते हैं, ऊपर वाले की कृपा है। खुद पे इतना भरोसा है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। जब ठीक होगा तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि क्यों, जब आप टेंशन में थोड़ा होते हो ना, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें भी चुभती है एंड आपका दिमाग हमेशा उस तरफ को चला जाता है, नेगेटिव उसको चला जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो सब हो। मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा था सुबह से, बट उनका नहीं, ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं बिजी रहूंगी, कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, साथ में जीत को खिलाऊंगी या भाई को खिलाऊंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। तो उठते हैं, काम करते हैं, खाना बना अच्छे बनाते हैं, अपने आप को मतलब अच्छा पॉजिटिव फील कराते हैं तो अच्छा अच्छा लगेगा, है ना। एंड तो बस यही है। तो पपीता काट के लाई हूँ, बस मैं पपीता थोड़ा खा लेती हूँ, यहाँ ये सब मैं फोल्ड कर दूंगी। देन आज कुछ एक अच्छा तंदूरी चिकन लेके आई हूँ, मैं गई थी सुपरमार्केट अभी, तो तंदूरी चिकन जो है वो मैं बनाऊंगी एयर फ्रायर में बनाऊंगी, कब से एयर फ्रायर यूज ही नहीं किया है, तो तंदूरी चिकन एयर फ्रायर में बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो वही लेग पीस में काट के लाई हूँ, बाकी छोटे छोटे पीसेस लेके आई हूँ, करी बना दूंगी तो हो सकता है कल भी खा लेंगे दोपहर को, या टिफिन लेना होगा भाई को, वो ऑफिस जा रहा है तो टिफिन ले जाएगा वो, तो ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पहले मैं ये खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे किचन में जाके। सो तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें 2 मैरिनेशन करने हैं एंड दोनों ही मैरिनेशन में हमें जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो चाहिए। तो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च जो है उसका पहले पेस्ट बना लेती हूँ।
तंदूरी चिकन के लिए मैं इस टाइप के पीसेस बना के लेके आई हूँ, जैसे ये मतलब लेग एंड थोड़ा सा थाई मिला के। तो इसमें ना हम लोग कट लगा देंगे ताकि मैरिनेशन जो है वो अच्छे से अंदर तक जाएगा, प्लस चिकन जो है वो अच्छे से कुक भी हो जाएगा एंड जूसी भी होता है। तो ऐसे हम लोग कट लगा देंगे। तो यहाँ पर ऐसे कट लगा के मैं सारा पहले रख लेती हूँ। सो फर्स्ट मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेमन का जूस। पहले यहाँ पे मैंने 6 लेग के पीसेस, लेग और थाई पीसेस जो लिए हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 2 नींबू का जूस जो है वो ले रही हूँ। इस पे ऐड करेंगे हम लोग 1 डेढ़ चम्मच करीब ये जो जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्च का पेस्ट। नमक ऐड करेंगे, चिकन में जितना नमक चाहिए उतना हम लोग ऐड कर देंगे स्वाद के हिसाब से। 1 चम्मच इसमें ऐड करी हूँ कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए। तभी सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, देन इसको मैरिनेट करने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। आप चाहो तो इसको आधा घंटा मैरिनेट करके सेकंड मैरिनेशन कर सकते हो, या तो आपको उसको 3-4 घंटे भी रख सकते हो। अच्छे से लेमन जूस के साथ में ये रहेगा तो ये अच्छे से टेंडर हो जाते हैं। तो आप चाहो तो ओवरनाइट मैरिनेट करके, ये फर्स्ट मैरिनेशन जो है वो ओवरनाइट रख सकते हो, देन हम इसका सेकेंड मैरिनेशन जो है वो प्रिपेयर करेंगे। बट फर्स्ट मैरिनेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी। तो मैं इसको अभी फ्रिज में अराउंड 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। तो सेकंड मैरिनेशन हम लोग थोड़े टाइम बाद करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे मैंने दही लिया है। अगर आपके पास में जो सूती पतली सी कपड़ा होता है ना वो है, तो उसमें दही ऐसे डाल के रख लीजिए। मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे छन्नी में डाल के रखा है ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। मतलब हमें हंकड़ बनाना है। इससे क्या होगा, जब मैरिनेशन हम लोग सेकेंड मैरिनेशन करेंगे ना, तो दही से ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। जब हम लोग उस चिकन को ग्रिल कर रहे होंगे या एयर फ्राई कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, उसमें ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, इसलिए हमें हंकड़ चाहिए। तो इसको मैंने करीब आधा घंटा हो गया उसको ऐसे रखा है, और जब तक मैं सेकंड मैरिनेशन नहीं करती हूँ तब तक उसको मैं ऐसे रख दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन छोटे पीसेस भी ले आए थे, ये करी बना दूंगी। मतलब वो तो तंदूरी चिकन तो एज ए स्टार्टर हो जाएगा, तो चिकन करी बना दूंगी तो राइस के साथ में हो जाएगा। एंड इसकी रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की है एंड कुकिंग चैनल पर भी डाला हुआ है। तो बेसिक से मैं बनाती हूँ, सब कुछ मैरिनेशन करके एक साथ ही, बस प्याज भून के एक साथ सब कुछ ऐड कर देती हूँ टमाटर के साथ में। तो लेमन का जूस लिया है, यहाँ पे जिंजर गार्लिक एंड खड़े गरम मसाले का पेस्ट जो है वो ले रही हूँ। सेकेंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। मतलब जब तक धुआं नहीं निकलता ना तब तक हम लोग गरम कर लेंगे। तंदूरी आइटम में सरसों का तेल मस्ट है। अगर आपको उसका स्मेल पसंद नहीं आता तो उसको अच्छे से गरम कर लीजिए, उसका स्मेल चला जाता है। या तो आप ऐसे भी उसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसमें कलर के लिए मैं उसको गरम कर रही हूँ। तो पहले उसको गरम हो जाने दीजिए। सो तेल यहाँ पे अच्छे से गरम हो रखा है, तो अभी उसको गैस का फ्लेम हम लोग ऑफ कर देंगे और उसको हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस हल्का सा वार्म हो जाए तब तक हम इसको छोड़ देते हैं। तेल अभी हल्का सा ठंडा हो गया है, तो इसको हम लोग ले लेंगे एक पतीले में, जिसमें अभी हमें मैरिनेशन करना है सेकंड मैरिनेशन। देन इसमें ऐड करेंगे हम लोग 1 चम्मच लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। देन इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच जो जिंजर गार्लिक एंड लाल हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना, वो 1 चम्मच ऐड करेंगे। मसाले के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन में जो है वो नमक ऐड किया हुआ है। बेसिक पाउडर मसाले, जैसे कि ये जो 1 चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, ये है रेड चिली पाउडर, ये पहला वाला जो है वो कश्मीरी था एंड ये जो थोड़ा तीखा वाला है, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1 चम्मच करीब चाट मसाला। यहाँ पर मेरे पास चिकन तंदूरी मसाला था तो वो मैं 1 चम्मच ऐड करूँ। अगर आपके पास ये नहीं है देन आप गरम मसाले की क्वांटिटी एंड चाट मसाले की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँ धनिया पुदीना एंड नींबू ऐड करके चटनी बनाया था, वो 1 चम्मच ऐड करूँ। ये ऑप्शनल है बट थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर आता है। और देन लास्ट में इसमें ऐड करेंगे ये हंकड़, कितना पानी निकल गया है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हंकड़ ऐड कर देंगे एंड सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वो जो ऑयल के साथ में हमने मिर्च डाला था ना, उसके वजह से कलर बहुत अच्छा आता है, और आपको तंदूरी चिकन में और जो कलर जो है वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है।
देन अभी इसमें हम लोग ये जो फर्स्ट मैरिनेशन जो हमने चिकन बना के रखा था ना वो इसमें ऐड कर देंगे एंड अच्छे से सेकंड मैरिनेशन जो है वो इस पर कोट कर लेंगे। आप यहाँ पे अच्छे कोटिंग के लिए थोड़ा सा बेसन भी यूज़ कर सकते हो, बेसन को हल्का सा भुन के इसमें ऐड करोगे तो कोटिंग भी अच्छे से आ जाती है। बट ये जो कड़ हमने ऐसे हंग कड़ बनाया ना तो इससे बहुत अच्छी कोटिंग आ जाएंगे, इस हमें और बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से अंदर अंदर को जो कट लगाया था ना उसको अच्छे से ये जो मसाले को अंदर अंदर तक अच्छे से मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। एंड घर पे तंदूरी चिकन बनाएंगे तो उसका तंदूरी फ्लेवर वो जो जो कोयले का जो फ्लेवर है वो आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं स्वाद आता है। तो हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कोयला जो है एक जला हुआ कोयला जो है इसमें रख दिया है ताकि वो अच्छे से कोयले का जो फ्लेवर है वो पूरे चिकन में आ जाए, वो जो मतलब तंदूर का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से चिकन में आ जाएगा। इसमें ऐड करेंगे एक थोड़ा सा बस देसी घी ऐड करके इसको कवर करके रख देंगे अभी करीब 10-15 मिनट तक ताकि अच्छे से वो जो फ्लेवर है उसमें आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये जो रेडी है इसको आप मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो और 1-2 घंटा रख सकते हो या इमिडिएटली भी बना सकते हो, कैसे भी आप बना सकते हो, चाहे आप एयर फ्रायर में बना लो, चाहे ओवन में बना लो या तंदूर में बना लो, या आप नॉर्मल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है आप घर पे तवे पे भी उसको सेक के अच्छे से बना सकते हो। तो बस मैं उसको खाने से पहले ही बनाऊंगी और मैं उसको 1 घंटा छोड़ देती हूँ, अभी खाने से पहले मैं उसको एयर फ्राई कर लूँगी। Welcome to Dubai, Habibi. Habibi, come to Dubai. अबे चल रहा है ना नया एक जो Habibi, come to Dubai. तूने सारजा छोड़ा, इसने सारजा पकड़ लिया। आज हाली बोली बोल रहे हैं ना न्यू मामू हाउस विल बी इन सारजा। फर्स्ट ओल्ड मामू हाउस चला सारजा रे। सारे हबीबी आ गए घर, तीन तीन हबीबी। हबीबी चांद टू दुबई, ये भी एक हबीबी है अपना। वो तो हबीबा है, हबीबा। ओए ओए तो चलिए हबी स्टार्ट करते हैं। अभी वो करना एयर फ्रायर करूंगी तो पहले एयर फ्रायर को हम लोग प्री हीट कर देते हैं, 3 मिनट प्री हीट कर देती हूँ फिर मैं ऐसे बनाऊंगी। सॉरी क्या गिरा रे, तो 190 डिग्री पे मैं यहाँ पे 3 मिनट ऑलरेडी मैंने दे रखा है तो बस इसको प्रीहीट कर देती हूँ। 3 मिनट के बाद मैं थोड़ा सा इसमें बटर जो है वो ग्रीस कर दूंगी ऊपर ऊपर से, तीन तीन करके डाल रही हूँ अभी। करीब अभी 6 मिनट ये हो गया है तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा बटर जो है वो दोनों साइड मतलब एक साइड लगा देती हूँ, देन एक और इसको 5-7 मिनट के बाद इसको पलट के फिर से और हमें देना पड़ेगा और 5-7 मिनट। तो एयर फ्रायर में मैंने फिर से 6 मिनट का दिया तो टोटल करीब 20 से 22 मिनट तक लग गया है। एयर फ्रायर में वैसे भी ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं 4 मैंने वो जो एयर फ्रायर में कर दिया था, 2 मैं इधर जो ग्रिल तवा है ना उस पर कर दूँगी। बस हल्का सा मैं बटर यहाँ पे ग्रीस कर रही हूँ, देन इसमें ये ऐड कर देंगे, थोड़ा ढक के धीमी आंच में इसको कुक कर लेंगे। संग्राम उधर दोनों संग्राम डी ड्रेस कर जे मास्टर जज नंबर 2 वीडियो ऑन प्लान जज नंबर 2 नहीं नहीं टेक्सचर वाइज तो अच्छा है लोकल कौन चलो एयर फ्रायर में वो जित उतना जूसी नहीं बनता ना एयर फ्रायर में होता है। अच्छा है नाना नाना थर्ड नंबर जज थर्ड जज गर्मा गर्म खा लो प्लीज रिक्वेस्ट यू। मैं कैसा है
एक बार तो खा चुकी है, बता दे दोबारा खाऊंगी। एक बार का पता नहीं चला। हे भगवान, बहुत चटपटा है। चटपटा है, एक्चुअली चटपटा है, बहुत चटपटा है। उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डालो। इधर चटनी लगी हो ना? हाँ, चटनी नहीं, मेन चटनी चेंज नहीं करना, यही रखना है। बहुत मस्त बनाएगा, बहुत मस्त, बहुत मस्त, जबरदस्त मसाला। मस्त मसाला थोड़ा सा बच गया, इसलिए मैंने संग्राम को भेजा है, थोड़ा और बोनलेस पीस ले आएगा ना, तो इसमें डाल के मैं फिर से ग्रिल कर दूँगी। नहीं तो फिर मसाले का ही तो मेन स्वाद है। हाँ जी हबीबी, सब ब्लॉग एंड कर दो। हमारे घर में कितने हबीबी है? छह हबीबी है। कैसे हैं आप? छह हबीबी, तीन हबीबती एंड भाभी मिसिंग है। अभी बेबो, माया और मैं हबीबती। और हबीबी कौन है? सिम्बा, तुम तीन और हनी बनी। छह हबीबी। बच्चों को भी हबीबी बोलते हैं क्या? पता नहीं क्या जूनियर हबीबी। हबीबी, यू थिंक मनी कैंट बाय हैप्पीनेस? हबीबी कम टू दुबई, यहाँ पे पता चलेगा कि यस मनी कैन बाय हैप्पीनेस। चलिए गाइस, ये मेरा डायलॉग नहीं है कि कोई मेरे ऊपर अभी आके टॉन्ट मत मारना, ये एक रैपर का गाना है। ये तो बहुत फेमस है। हबीबी कम टू दुबई तो मतलब नो नो, यू डू थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस? हबीबी कम टू, वो जो मनी कैन बाय हैप्पीनेस वही वाला मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, हबीबी कम टू दुबई तो दुबई का डायलॉग है। बहुत चलिए गाइस, खाना मतलब ये क्या है बनाया है, तंदूरी चिकन, ये बहुत अच्छा बना है ना। सुनो बोलो कुछ, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं। संग्राम तो कुछ बोल ही नहीं रहा, खा ही रहा है तू खा। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग आज का ब्लॉग हाँ खाऊ थी ना, मैं बोनलेस वाले माया खाऊंगी ना, माया चिकन खाए बोन छोले खाए। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं, हम लोग खाना वाना खाते हैं, करी वगैरह भी खाएंगे, फिर खाएंगे सब खाएंगे, फिर खाते रहो पीते रहो, मस्त रहो, बस बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू, बाय 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 बाय, बेबो बाय बाय बाय, ए टुकू बाय कर, सिर्फ आईपैड साइड करो, बाय बाय। तो ये हो गया एयर फ्रायर का, सॉरी एयर फ्रायर क्या है, बोनलेस चिकन जो फटाफट मैरिनेट करके फटाफट बन गया, 5 मिनट का। ये अच्छा है ना? अरे जबरदस्त, ये पूरा जूसी बना है।